88,000 ऋषियों ने हाथ जोड़कर के पूछा, बोले भगवान ये तो हमने पहली बार सुना कि आपके जीवन में भी कोई यथार्थ भाव के गुरु हैं। जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है, सूत जी महाराज कहते हैं सुनो भैया, हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु का होना अति आवश्यक है। और देखो गुरु से दीक्षा लो जान के, गुरु की अगर हमने थोड़ी सी भी निंदा कर दी, ध्यान रखना मिट्टी से बुरे मिलने की स्थिति हमारी होगी। हमारे जितने भी चेला हैं, दीक्षित हैं, हम उनको बस एक ही बात संस्कार के रूप में सिखाते, कुछ दो या ना दो, हमारी तुम्हारी जीवन में बने या ना बने, अगर तुमने दीक्षित हो गए तो मर जाना, लेकिन अपने गुरु की कभी बुराई मत करना, क्योंकि एक बार की बुराई करने में एक गौ हत्या के बराबर पाप उस शिष्य को लगता है जो अपने गुरु की बुराई करता है या गुरु की बुराई को सुनता है। अब तो 88,000 ऋषियों ने कहा, बोले भगवान ये तो सुखदेव बाबा वही हैं जिनने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की कथा का वर्णन किया। समझ में आ रही है आप सबको कथा? कहा बच्चा रहो कक्का दद्दा आ रही सबका की आ रही समझ में? हाथ ठाणे करके तुम्हारा इतने तो आ रही हो, ठीक है नहीं आ रही हो, सब अपनी बेल रही है, फुर्सत फ्री है, नेचे मुड़ी डार के, और बढ़िया अच्छी बतका हो रहे चाची, बड़े दिन में मिली थे तो स्टैंड ही था बनी रात, अपने मोहल्ला था तो आते नहीं है, और बता और कहा है बाकुटी की नहीं? बोले को बाजनी कितनी सच सच के कड़ती कल्लू पर गई दारी जे तुम उनके बतकाए इतने तो मेंदवारा में और सियावनी में एक ही कथा वाचक छाने हमें, दूसरो तो इतने भैया हम बता सकते थे कि कथा कैसी होने। अच्छा हमारे क्षेत्र को कहा हाल है, दूसरी कुटी से तुरंत खिड़की खोले, जैसे कोई कुट रही हुए तो तुरंत आमे सामे घरों से खिड़की खोले, खिड़की में ढूंक के देखे चाची आ रहे ठीक रही दर बचारी क्यासी बन गई है, कितनी बनी फिर रही थी है, कितो भंसारे से घोंगटा डाट डार के कट रही थी, नहीं नहीं धुतिया पैर रही थी ले। और सुनो दूसरे दिन इनकी सुटाई भाई, पहले दिन उनकी भाई जो देख रही थी खिड़की से, और दूसरे दिन जब इनकी भाई सुटाई सुबह देख रही थी छत से, बोले कहा तुम्हारी कैसी रही, तुम्हारी तो भारता सुबह भूल गो कुट गई दो ही जने मजा नहीं आओ गो का हाँ सो भैया को मजा ना लियो आनंद ना लो। अच्छा कोई को अगर ट्रैक्टर आ जाए, हमारे क्षेत्र की ओर सुनो बहुत अच्छी स्थिति, अगर ट्रैक्टर आ गो सामने बाय को खुद के घर में ट्रैक्टर नहीं है तो देखो कितनी स्टाइल में जा रही भगवान का पूज भी, जब से ट्रैक्टर आ गो धरती पे नहीं धर रही कोड़ी, मुझे बब्बा महाराज तुम्हारे पाँव पर हम पांच मंगलवार रोड चढ़वाए, इको तो दारी को ट्रैक्टर एक बार में पकड़ जा प्रेस पका कर सीधो दस चढ़ा दे, पड़ोसन को ट्रैक्टर जेल में चलो जाओ खुद के लाने, हमारे लाने तो इतनी कृपा कर दो कि वह मोड़ी को ब्याह अच्छे घर में हो जाए, नौकरी बाव लड़का मिल जाए, वो एक भी पंजू खर्च ना हो। सुनो हमने सुनी कि हमारी सास बड़ी चीज हती मड़ा में धरे थी तो बिला धन पोर मिल जाए, और पड़ोसन को अगर वो ट्रैक्टर नहीं पकड़त पुलिस में तो उनके ट्रैक्टर में आग लग जा रहा आपकी टेम नहीं लगा तो एक काम करो बस 2,000 रुपया कमाओ तू को आदमी आज के लाने उनके ट्रैक्टर का पंचर कर दो काल जाए ना पाए बजरी घर भी आओ दूसरन को बड़ा सोचने और भगवान से कने गरीबी छाई जाए स्थिति है देखिए। और सुनो साहब बुरा जो देखन में चला मुझसे बुरा न को, आप किसी का बुरा देखोगे तो आपसे बुरा कोई नहीं है,